नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हमारी निराला राम की शक्ति पूजा चल रही है। इसके आगे के पदों का अध्ययन हम आज करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि रावण की तरफ जो शक्ति है उसको देख करके भयभीत हो रही है, संशित हो रही है, इसलिए वो विचलित हो रही है। जिसको देख करके सभा में सभी सोच रहे हैं कि आज हमारे श्री राम को क्या हुआ है। उसके बाद राम वहाँ पर जो सभा में सब लोग उपस्थित हैं उनको बताते हैं कि वो क्यों विचलित हैं, कि उन्होंने देखा है कि जो शक्ति है वो राम को गोद में लिए युद्ध में बैठी हुई है और जो राम के जितने भी वीर हैं वो निष्फल होते जा रहे हैं। अब जब जामवंत को उन्होंने बताया तो जामवंत जी उनसे कहते हैं कि मुझे तो तुम्हारे विचलित होने का कोई भी कारण समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि फिर जिस प्रकार से रावण वध हुए, रावण ने शक्ति को आराधना के माध्यम से अपनी तरफ किया है, तुम उसका भी दृढ़ आराधना से फल दे सकते हो। जामवंत की बात सुनकर के सारी सभा खिल गई और राम भी प्रसन्नचित हो गए। उनको लगा कि यह बहुत ही सही रास्ता है, शक्ति को अपनी तरफ आराधना के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद वे क्या कहते हैं हम आगे पढ़ेंगे। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए। राम ने निश्चय किया कि अब वे आराधना करेंगे और शक्ति को सिद्धि के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने हनुमान जी को अपने गले लगाया और उसे प्रिय स्वर में अपने मन को संयमित करते हुए बोले, चाहिए हमें 108 कपि इंद्रवर, कम से कम अधिक और हो अधिक और सुंदर। कि हे कपिवर, हे हनुमान जी, मुझे 108 इंद्रवर यानी कमल के पुष्प चाहिए। कम से कम 108 मुझे चाहिए ही चाहिए, और अगर अधिक से अधिक आपको मिल सकते हैं तो उससे सुंदर क्या हो सकता है। जाओ देवी लह पुष्कर होने से पर कि हे देवी लह एक तालाब विशेष का नाम है जहाँ नीलकमल पाए जाते हैं। जो आपका इंद्रवर है उसका नीलकमल है, तो भी देवी लह एक स्थान का नाम है। हम हनुमान जी कहते हैं कि तुम जाओ, देवी लह एक स्थान है, वहाँ पर नीलकमल पाए जाते हैं, वहाँ जाओ। उषय काल होते सत्वर यानी कि प्रातः काल होते ही तुम तीजी के साथ वहाँ पर जाओ। तोड़ो लाओ वे कमल, लौट कर लड़ो समय। कि जाओ उन पुष्पों को तोड़ करके लाओ और फिर आकर के फिर से देवी को संभालना। अवगत हो जान मान से पथ दूरत्व स्थान, प्रभु पद रज से घर चले हर्ष भर अनुमान। जामवंत जी से सुदेवी ने स्थान को जान करके उसका रास्ता, उसकी दूरी, उसका स्थान पूछ करके प्रभु पद रज यानी कि प्रभु श्री राम के चरणों की धूल को अपने सिर पर रख करके हनुमान जी हर्ष के साथ प्रसन्न होकर के उन पुष्पों को लेने के लिए चलेंगे। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, सब चले सदै राम की सोचते हुए विजय। और इस प्रकार सभी लोग जितने भी वहाँ पर सभा में बैठे हुए थे सब धीरे धीरे अपने अपने विश्राम स्थल की ओर चल पड़े और राम ने सबको विदा किया कि अब जो समय है वह विश्राम का हो गया है। सब धीरे धीरे अपने विश्राम स्थलों की ओर जा रहे थे और यह अपने हृदय में सोचते हुए जा रहे थे कि अब राम की विजय निश्चित होगी। और राम की विजय केवल राम की विजय नहीं थी बल्कि उनकी स्वयं की भी विजय थी। ऋषि हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम करण फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण। ऋषि हुई विगत अर्थात रात्रि चली गई है, नभ के ललाट पर प्रथम किरण आसमान के जो ललाट यानी कि मस्तक है, आसमान के जो मस्तक रूपी आसमान है उस पर सूर्य की प्रथम किरण फूट गई है अर्थात प्रभात हो गया है। फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण यानी कि अब रघुनंदन के नेत्रों में भी प्रकाश रूपी हिरण यानी कि चमक दिखाई दे रही थी। है नहीं सरासर आज हस्त तुम ही स्कंद, आज राम का जो रूप है अन्य दिनों से अलग है। क्यों? क्योंकि आज राम के हाथों में, आज राम के कंधे पर तीर का तरकश नहीं है, आज उनके हाथों में धनुष नहीं है,
वह नहीं सोता निविड़ जटा बंद, और उनके आज निविड़ जटा, निविड़ का अर्थ होता है घना यानी कस कर बंधा हुआ, और उनके आज सिर पर वो जो घना बंधा हुआ जो एक जटाओं का जो एक उनका निविड़ यानी कि जो एक वो अपनी जटाओं को बांध करके जो बनाते थे, आज वह दिखाई नहीं दे रहा है, आज उनके बाल खुले हुए हैं, जिसके कारण उनका रूप आज और दिन से अलग लग रहा है। सुन पड़ता सिंह नाग रण कोलाहल अपार, सिंह नाग रण कोलाहल अपार, और उन्हें युद्ध का सिंह नाग सुनाई दे रहा है, कोलाहल भी सुनाई दे रहा है, लेकिन आज उनका मन युद्ध करने के लिए नहीं उमड़ रहा है। स्तब्ध सुनी है ध्यान ध्यान, उनका जो ध्यान है वो आज निश्चित रूप से उन्होंने संयमित किया हुआ है। पूजो प्राप्त जपते दुर्गा दशभुजा नाम, फिर उन्होंने दुर्गा की पूजा की, और पूजा करने के बाद उन्होंने दुर्गा के नामों का उच्चारण करना प्रारंभ किया, अर्थात दुर्गा का जाप करना प्रारंभ किया। मन करते हुए मनन नामों के गुण ग्राम, उनका जो मन है वह मन ही मन उनके नामों के गुणों का गुणगान करते हुए दुर्गा का जाप करने लगा। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर, इष्ट के चरण गहन से गहन तर होने लगा संवादन, उनका जो मन है वह उनके गुणों का गुणगान करते हुए ऐसे ऐसे उनका दिन बीत गया। उनका मन अब पूरे दिन की आराधना के बाद और भी अधिक अपने ईष्ट अर्थात शक्ति के चरणों में और भी अधिक गहन से गहन तर अधिक से और अधिक स्थिर हो गया, और वे उनकी आराधना में और भी ज्यादा ध्यान निष्ठ हो गई। क्रम क्रम से हुए पांच राघव के पंच दिवस, इसी प्रकार क्रम क्रम की लगातार यहाँ पर उन्नति प्रकाश लगातार है, क्रम क्रम में क्रम क्रम से हुए पांच राघव के पंच दिवस, जो राम है इस प्रकार आराधना करते हुए उनके पांच दिन बीत गए हैं। चक्र से चक्र मन चढ़ता गया पूर्व निर्वस, और जितने यादव आराधना कर रहे थे तो उनके अंदर का जो चक्र है, जो हमारा शरीर है वो विविध प्रकार के चक्रों से निर्मित है, उन चक्रों में उतनी ही ज़्यादा संयमिता बढ़ती चली जा रही थी। करजब पूरा कर एक चढ़ाते इतनी मन, करजब के हाथ से जाप जो पूरा हो जाता था तो वे एक इंद्री पर अर्थात नील कमल देवी को अर्पित कर देते थे। निज पुरुष चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर, और इस प्रकार से उन्होंने जो निश्चय किया था उसको वह पूरा कर रहे थे। चौसठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रति जब से किच किच होने लगा महाकर्षण, और इस प्रकार उनको छठवा दिन भी बीतने लगा और उनका जो ध्यान है वह और भी ज़्यादा समाहित होने लगा, और इस प्रकार इस जाप से उनका जो आकर्षण है वह और भी ज़्यादा उसमें समाहित होता चला गया। संचित्र पुरी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, जब केसवर लगा कांपने थर 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 अंबर, उनका जो ध्यान है थोड़ा वो उस त्रिकुटी यानी कि मस्तक पर समाहित था द्विदल देवी पद पर, और उनके जो नेत्र हैं वो देवी के पदों पर समाहित हो रहे थे। वो जो जाप कर रहे थे उसके स्वर से समस्त संसार समस्त अंबर समस्त आकाश कांपने लग गया था। दो दिन निष्पन्न एक आसन पर रहे राम, हर्पित करते जपते हुए नाम, और इस प्रकार से दो दिन निष्पन्न के बिल्कुल बिना हिले बिल्कुल स्थिर होकर के एक आसन पर ही राम आसीन रहे, और वे इस प्रकार से कमल पुष्प नील कमल अर्पित करते हुए राम दुर्गा के नाम को जपते हुए अपने सिद्धि के प्रयास को आगे बढ़ाने लगे। आगे के पदों का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।